गबरू दा वैरी नू मिठा ओलदा रू दा वेर जट दा प्यार गोरिए। ये मैंने ऑर्डर किया था अपने डैड के लिए, जो कि मतलब ओल्ड सॉन्ग्स मतलब काफी ज्यादा पसंद करते गाना। एक्चुअली मेरा बर्थडे है एंड इत्तेफाक की बात है उनका भी बर्थडे सेम डे है। जूक थंडर रॉकर 20 वॉट्स। चलिए इसे करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है इस बॉक्स में। चलिए बॉक्स के ऊपर दी गई इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सुपीरियर साउंड क्वालिटी मिलने वाली है आपको, फ्लैशिंग डीजे लाइट्स जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लगता है, और ब्लूटूथ के साथ आप इसे कनेक्ट भी कर सकते हो। और इसमें मिलती है आपको लिथियम आयन बैटरी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे बैकअप के साथ मिलती है, और आपको कैराओके रेडी माइक्रोफोन मिलेगा, FM रेडियो भी मिलेगा, USB आप कनेक्ट कर सकते हो, डेटा केबल, पेन ड्राइव एंड मल्टीपल कनेक्शन मतलब ऑक्स के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो, और बॉक्स की ब्रांडिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी की गई है। चलिए इसे ओपन करते हैं और इसके फंक्शंस देखते हैं और इसे यूज़ करके मैं आपके साथ अपना रिव्यू भी शेयर करता हूँ। चलिए इसे करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है इस बॉक्स में। देखिए सबसे पहले हमें मिलता है एक माइक्रोफोन, जूक माइक्रोफोन। साइज कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, स्मॉल साइज़ का है, आपके हाथ में इजीली आ जाएगा। देखिए इसका एक बटन भी है ऑन ऑफ करने का, लिखा हुआ ऑन ऑफ डायनामिक, आप देख सकते हो। देन हमें मिलती है ये एक 3-पिन XLR केबल कह सकते हो, और यहाँ पे 1.1x4 का एक जैक, देखिए ये केबल मिलती है हमें साथ में, और एक मिलती है हमें USB, नॉर्मल USB है जो आप अपने मोबाइल फ़ोन्स के साथ भी यूज़ करते हो साथ में। अब हमें मिलता है मेन स्पीकर, इसे रखते हैं साइड में पहले। एक हमें मिली है ये ऑक्स केबल, देख लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है। ब्लूटूथ तो है, रेस्ट आप ये ऑक्स केबल भी यूज़ कर सकते हो, ऑक्स केबल भी हमें मिली है साथ में, ज़्यादा लेंथ में लंबी नहीं है। और साथ में मिलता है हमें जूक का वारंटी कार्ड, ये देखिए, और ये साथ में एक मिलती है मैनुअल जो कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल तो है हमारे पास, ये देखिए अमेज़ॉन आपको बिल भी प्रोवाइड करता है, ये आप वारंटी क्लेम करने के लिए ये बिल यूज़ कर सकते हो। रेस्ट अब हम ओपन करते हैं। ये हमारा ब्लूटूथ स्पीकर, साइज़ में कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है, 500-600 आई थिंक मैक्सिमम 1 kg का होगा, क्योंकि आप देखिए इजीली आप एक हाथ से कैरी कर सकते हो, बहुत ही इजी टू कैरी है, कॉम्पैक्ट भी है, कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं है साइज़ में। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले ये नोब आपको दिख रही होगी, फर्स्ट नोब इज़ फॉर माइक वॉल्यूम, माइक्रोफोन की जो वॉल्यूम है उसे इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से आप कर सकते हो। देन उसके बाद सेकंड आता है माइक इन, यहाँ पर आपको माइक की जो ये केबल है, ये वाली केबल आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी होती है कनेक्ट करने के लिए अपने माइक्रोफोन को, जो कि है एक कैराओके माइक्रोफोन। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास USB, इस पोर्ट में आप कोई भी अपनी USB ड्राइव, पेन ड्राइव लगा सकते हो, कोई अगर आपके पास डेटा केबल है, डेटा केबल से iPod, मोबाइल आप वो कनेक्ट कर सकते हो फॉर लिसनिंग टू म्यूज़िक, एंड अगर आप कैराओके प्ले करना चाहते हो, सॉन्ग्स वगैरह गाना चाहते हो इन एनी पार्टी, तो आप यहाँ पर अपनी USB भी उसमें प्री लोडेड जो आपके सॉन्ग्स होंगे, कैराओके इंस्ट्रूमेंटल्स होंगे, वो आप प्ले कर सकते हो, साथ में आप माइक्रोफोन कनेक्ट करके आप पार्टी इंजॉय कर सकते हो। देन उसके नीचे है TF कार्ड का एक स्लॉट, ये आप देख सकते हो। इस कार्ड स्लॉट में आप अपना मिनी जो माइक्रो कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड जिसे कहते हैं, जो पहले काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था, वो आप यहाँ पे इंसर्ट डायरेक्टली कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई कार्ड रीडर और एनीथिंग की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, डायरेक्टली आप कार्ड इंसर्ट कर सकते हो एंड रिमूव कर सकते हो। देन उसके बाद आता है आपके पास ऑक्स इन का स्लॉट, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ऑक्स इन आप ऑक्स लगा सकते हो एंड यहाँ आप अपना माइक्रोफोन मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो, या कोई आपके पास iPod है, या कोई भी आपकी म्यूज़िक की डिवाइस है, लैपटॉप है, वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो।
देन उसके बाद आता है मोड, मोड सिलेक्शन। आई थिंक यहाँ पर मोड आप मोड सेलेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ का। देन इसमें एफएम रेडियो भी है जैसा कि बॉक्स पर लिखा हुआ था। देन नेक्स्ट है ये थ्री जो आपको बटन्स दिख रहे हैं, ये है रिवर्स का, सॉन्ग्स को प्रीवियस सॉन्ग को प्ले करना, ये प्ले एंड पॉज का बटन है। एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट सॉन्ग करने का ऑप्शन, जो कि हमारे पास नेक्स्ट आता है यूएसबी पोर्ट। ये पोर्ट को आप यूज़ कर सकते हो फॉर चार्जिंग दिस स्पीकर। इसे आपको कंटिन्यूस चार्ज करना पड़ेगा 3.5 आवर्स के लिए, मतलब 3.5 घंटे आपको कंटिन्यूस चार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद आप डायरेक्टली इसे फॉर 4 आवर्स यूज़ कर सकते हो। 4 घंटे आप कंटिन्यूस इसे म्यूज़िक प्ले कर सकते हो। आप कहीं भी, अगर आप कहीं पार्टी में जा रहे हो, कहीं ट्रिप पर जा रहे हो, आप इसे साथ लेकर जा सकते हो। इजी टू कैरी है और 4 घंटे कंटिन्यूस म्यूज़िक आपको देगा ये। मतलब आप इंटरवल्स में भी आप सुन सकते हो, मतलब 15 मिनट सुन लिया, आधा घंटा सुन लिया, इंटरवल्स में भी आप सुन सकते हो। कंटिन्यूस 4 घंटे की पावर बैकअप बहुत ज़्यादा है, मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप 3.5 घंटे से चार्ज करते हो और 4 घंटे आप इसे सुन सकते हो। देन उसी यूएसबी पोर्ट के राइट ऊपर दिया है आपको एक एलईडी नोटिफिकेशन का, जब आप इसे चार्ज करेंगे तो ये ब्लिंक होगी, ब्लिंक नहीं मतलब कंटिन्यूस जली रहेगी ये रेड कलर की लाइट। देन नेक्स्ट नॉब है हमारे पास ये ऑन करने के लिए, स्पीकर को ऑन करने के लिए। Your Zook Rocker is ready to pair. So, जैसे ही आप ऑन करोगे तो ये नोटिफिकेशन आपको स्पीकर के थ्रू बताएगा कि आपका Zook is ready to pair, मतलब आप इसे ब्लूटूथ से पेयर कर सकते हो स्पीकर को। और इसे बंद करने का भी यही है, इसे नोब को आपको लेफ्ट को घुमाना है और ये ऑफ हो जाएगा। ऑन करने के लिए आपको क्लॉकवाइज इसे रोटेट करना है और ये ऑन हो जाएगा। Your Zook Rocker is ready to pair. साउंड भी इसकी काफी ज्यादा है, एक टेस्ट कर लेते हैं हम इसके साथ। चलिए आपको माइक कनेक्ट करके एंड एक सॉन्ग सुना के आपको दिखाई देते हैं, आप क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हो। इसे इजी है ये, देखिए ये 3 पॉइंट्स के जैक है जो कि आपको ये कराओके माइक्रोफोन में इंसर्ट करना है। काफी इजी है, इसमें कोई बैटरी यूज नहीं करनी, आपको कोई सेल्स नहीं इंसर्ट करने हैं, डायरेक्टली ये कनेक्ट हो जाएगा। देखिए इसे ऑन किया, ऑन हो गया और जस्ट हमें यहाँ से ये नॉब को घुमाना है राइट में और ये हमारा स्पीकर ऑन हो गया। Your Zook Rocker is अब ready इस मोबाइल को हम पेयर करते हैं। देखिए आपके सामने मैं सर्च करता हूँ, न्यू डिवाइस हमें मिली है ZB Rocker Thunder। इस पे हमने क्लिक किया। The wireless device has connected successfully. So ये कनेक्ट हो गया। दिलजीत की एल्बम God से हम टाइटल सॉन्ग सुनाएंगे आपको, God. यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो साउंड लेवल। डैमड़ा दे नाल तोलदा जिन्ना तेरा पार गोरी है, गबरू दा वैरी नू मिठा बोला दो दा वेर जट दा प्यार गोरी है। देख बॉलीवुड विच जिन्ने खान ने उना विच बैंदा सरदार गोरी है, गबरू दा वैरी नू मिठा बोलदा दो दा वेर जट दा प्यार गोरी है। तेरा रखा मैं रब रखा यार दा नाम जी दा लवा उते जार गोरी है, गबरू दा वैरी नू मिठा बोलदा दो दा वेर जट दा प्यार गोरी है। तो आप देख सकते हैं कि कैसी साउंड क्वालिटी है, मैं इसे अब बंद करके आपको सुनाता हूँ। म्यूजिक का लेवल आप सुन सकते हो, मैं माइक डिस्कनेक्ट कर चुका हूँ, अभी बहुत कम साउंड मैंने किया है, अब आपको दिखाता हूँ मैं साउंड का लेवल इंक्रीज करके। ये जो आपका साउंड सुन रही है वो आई है सबसे लास्ट, मतलब आप कह सकते हो 20 साउंड है। ये बिल्कुल लो साउंड सुना रहा हूँ मैं और आपको धीरे धीरे इंक्रीज करके मैं इसका टॉप वॉल्यूम लेवल आपको सुनाता हूँ। सो यहाँ से आप बंद भी कर सकते हो डायरेक्टली। ये मैंने ऑर्डर किया था अपने डैड के लिए, जो कि मतलब ओल्ड सॉन्ग्स मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं गाना। एक्चुअली मेरा बर्थडे है एंड इत्तेफाक की बात है उनका भी बर्थडे सेम डे है, आज मेरा बर्थडे है उनका भी बर्थडे सेम डे है,
तो उनके लिए एज अ बर्थडे गिफ्ट मैंने किया था। आप भी अपने लव्ड वंस को कर सकते हैं ये गिफ्ट फॉर बर्थडे। मैं अब बात करते हैं मेन चीज़ की, इसके प्राइस की। इसका प्राइस है 1851। वैसे इसका मार्केट रिटेल प्राइस है वो है 2500, बट मैंने इसे अमेजोन से परचेज़ किया और मुझे ये पड़ा 1851। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मेरे स्टोर से आप परचेज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिंक दे दिया है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिलेगा एंड उसकी मैंने एफिलिएट मार्केटिंग से ज्वाइन किया है तो थोड़ी सी कमीशन मुझे भी मिलती है अगर आप मेरे लिंक के थ्रू आप परचेज़ करते हो उसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल कैंपस इमो ऑन YouTube। थैंक यू सो मच।